जय हिंद। कैसे आप लोग हो? तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। इसके पहले अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ा तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा त्रिकोणमिति का इसका यूज होता है, ठीक है ना, और बड़ा ही सिंपल सवाल है। और इस चैप्टर से कम दो क्वेश्चन पूछेगा, कम से कम दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कम से कम, और फिर लॉन्ग में सवाल पूछता है 5 नंबर वाला, ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, ज्यादा लंबा चैप्टर है, नॉर्मल सा चैप्टर है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें से बड़ा आसान से बन जाता सवाल, एकदम नॉर्मल चैप्टर है, ठीक है ना। तो आप इसको भी मतलब अच्छे तरीके से इसको जो है कर सकते हो। ये चैप्टर नंबर बोला जाए तो 9th हो जाएगा, अगर सीरियल वाइज देखा जाए तो चैप्टर नंबर 9th हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, ये कंसेप्ट आपका पूरा ऑल कहीं से भी कोई मॉडल पेपर उठा लो, क्वेश्चन बैंक उठा लो, आपको सबसे वहां पे कंसेप्ट टैली करेगा और फिर बनेगा, 100% बनेगा। बस शर्त यह है कि आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा और नोट करना पड़ेगा। शुरू करते हैं सवाल को आगाज। सबसे पहले तो इसके पहले पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं ना, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके एक मिनट, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है ना। एक मिनट, चलिए। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? ऊंचाई और दूरी। थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें है क्या, इसको इसमें इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसका जरूरत क्यों पड़ा? अगर आपसे पूछेंगे सर इसका जरूरत क्यों पड़ा, तो किसी भी बड़े चीज को, किसी बड़े चीज को अगर हमारी उसकी ऊंचाई पता है, ठीक है ना, अगर इसकी ऊंचाई मालूम है और हमको एंगल मालूम कि कितना डिग्री पे है, तो यहां से यहां तक हम दूरी निकाल सकते हैं। जैसे मानते कि या तो बहुत ऊंचा कोई चीज है, ठीक है ना, हमको उसकी यहां से यहां तक हम दूरी नाप लिए, जमीन की दूरी नाप लिए, और एंगल पता है कि वहां से इसका एंगल कितना होगा। अगर इतना पता, ये इंजीनियर लोग का काम है, ठीक है ना, तो आप इस टावर की ऊंचाई नाप सकते हैं, इसका यही यूज होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें इसमें क्या करना, हमको जो ऊंचाई और दूरी है इसमें त्रिकोणमिति का थोड़ा सा यूज होता है। जैसे अनुपाति होता है ना, त्रिकोणमिति की त्रिकोणमिति अनुपात होता है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, उसका जो लंब बटकर्ण आधार बटकर्ण ये जो आता है, इसमें इसका यूज होता है थोड़ा सा, और उसी पे पूरा सवाल बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें दो चीज, एक तो ऊंचाई और दूरी निकालना है। ऊंचाई दूरी निकालने के लिए हम समझते हैं, पहले थोड़ा सा फ्लैश आते हैं, बैक आते हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि जब देखिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है तो क्या पढ़ा आपने, इसका एकांतर कोण क्या होता है, समान होता है। एकांतर कोण कौन, ये वाला कोण और ये वाला एंगल का एकांतर एंगल, इसको बोलते हैं एकांतर एंगल समानता। यानी कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो एकांतर एंगल का इसमें यूज होने वाला है, ठीक है ना, इसमें जो है इसका यूज होगा, एकांतर एंगल का इसका यूज होने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसको मैं सेट कर देता हूँ, है ना, और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, इसका एकांतर कोण क्या है, एकांतर एकांतर कोण, एकांतर कोण समान होते हैं, ठीक है, एकांतर कोण समान होते हैं। अब इसमें दो चीज, दो बात आएगी, जब आप ना, जब आप इस, जब भी ये सवाल बनाओगे तो आपको यही फिगर से मुलाकात होगी, हमेशा यही फिगर बनाएगा, 90 डिग्री वाला समकोण, समकोण ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज बनेगा हमेशा, हर बार ही बनेगा। अब यहाँ पे मानते कि ए है, बी है, सी है, इसका नामकरण कर दिए, ठीक है ना। इसमें आपको पता है ये लंब है, ये आधार है, ये ऊंचाई है ना, लंब है, ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है ना, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। लंब को हम ऊंचाई ही बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। अब इस सवाल में ऊंचाई के रूप में टावर हो सकता है, मीनार, या कोई घर है, या कोई पेड़ है, या कोई खंभा है, ऐसे रह सकते हैं। यहाँ पे क्या रह सकता है, यहाँ पे टावर रह सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीनार बोलते हैं, है ना, या पेड़ कोई बोल सकता है, या बोलेगा भवन है ना, या पहाड़ है, ऐसे बोल देगा पहाड़ है, इस तरह से बोल देगा, या तो फिर क्या बोलेंगे, खंभा है, कुछ भी नाम से आपको देख सकता है। तो ये तो सीधा खड़ा करते हैं, हमेशा सीधा खड़ा करते हैं, तो जमीन हम हर हाल में होगी, और जमीन जब होगी तो हमको ऐसे एंगल बना देना है। अब जब एंगल बनेगा तो यहाँ पे दो पॉइंट, एक एंगल यहाँ पे है और एक एंगल, देखो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, देखिए अगर हम इसको जो है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो एक एंगल यहाँ बनता है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, ये मान लेते कि ये हमारा लाइन ऐसे जा रहा है, यहाँ ये हमारा लाइन ऐसे जा रहा है, और ये अगर इसको हम बढ़ा दें, इसके तरह आ गया, यहाँ इसके तरह आ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, एकांतर कोण समान हो रहा है। यहाँ भी ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया, लेकिन इसका नाम अलग अलग है। यहाँ पे ना इसका कंसेप्ट वही है, इसका यहाँ पे नाम अलग है, इसका जो नाम, इस कोण का नाम है अवनमन कोण। क्या है, अवनमन कोण, अवनमन कोण, और नीचे वाला नाम है उन्नयन कोण। क्या नाम है, उन्नयन कोण नाम है। अब एक बात तो कंफर्म हो गई कि अवनमन कोण जब भी बनेगा तो ऊपर बनेगा, उन्नयन कोण जब भी बनेगा तो
नीचे में बनेगा। और अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता कैसे, एकांतर कोण से। तो हम यहां पे चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई यहां पे लिख सकते हैं कि अवनमन कोण, अवनमन कोण बराबर क्या बोलेंगे उन्नयन कोण, अवनमन कोण उन्नयन कोण का होगा बराबर होगा। मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 हो जाएगा, ये 50 है तो ये 50 है, ये 50 है तो ये 50 होगा। इतना क्लियर है, अगर इतना समझ गए तो हम आप सवाल आप बना सकते हैं। बाकी आपको याद है ना साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, टैन बराबर आधार बटा लंब बटा आधार, इसका टैन का ज्यादा यूज आएगा, टैन का बहुत ज्यादा यूज आएगा, ठीक है ना। चलिए सवाल को देखते हैं, अब आप बना लीजिएगा। देखिए सवाल को पढ़िए ध्यान से, सवाल को ध्यान से पढ़िए और आप अपना फटाफट बनाइएगा जी, सवाल को तो पढ़ के बना लीजिएगा। बोलता है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, अब पहले सवाल को बनाने से पहले आपको फिगर बनाने आना चाहिए, क्योंकि जब आप इसका फिगर बना लेते हो ना तो 50% सवाल सोल्व हो गया फिगर से, फिगर नहीं बनेगा तो सोल्व नहीं होगा। बच्चा आधा दे बच्चों को तो फिगर ही बनाने नहीं आता है, समझिए 6 मीटर ऊंचा खंभा, खंभा कैसे रहेगा बोलो, खंभा कैसे रहेगा सीधा खड़ा रहेगा। जब खंभा रहेगा तो, जब खंभा है तो जमीन भी रहेगा, क्या खंभा जब रहेगा तो जमीन तो रहना जरूरी है, और इसको हम क्या करेंगे इस तरह से मिला देंगे। तो खंभा कितना है 6 मीटर ऊंचा, 6 मीटर ऊंचा खंभा हो गया, मानते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। बोलता खंभे की छाया पृथ्वी पर बनती 2√3 मीटर, अब बताओ छाया कहाँ पर बनेगी, क्या छाया तिरछा होता है, छाया जब भी बनेगा तो जमीन पर बनेगा, लिख भी रहा पृथ्वी पर, छाया कहाँ पे पृथ्वी पर, तो जब भी छाया बनेगा तो नीचे बनेगा, इस क्षैतिज में छाया बनेगा, खंभा जब रहे तो ऐसे खड़ा रहेगा, तो छाया कितना बन रहा 2√3 मीटर बन रहा। तो बोलता कि, बोलता कि सूर्य का उन्नयन कोण, तो सन यहाँ पे सन है, सूरज है, सूरज की जो किरणें आ रही है तो उन्नयन कोण कहाँ बनता बोलो, उन्नयन कोण बनता नीचे, ये उन्नयन कोण ज्ञात करना। मान लेते ये थीटा दिया हुआ है, क्या हमको ना मालूम, यही निकालना है ना, थीटा दिया हुआ, मानते क्या थीटा दिया हुआ है। चलिए अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या जानते हैं, चूंकि यहाँ पे, क्योंकि अब देखो हमको क्या निकालना, एंगल निकालना है, हमको लंब पता है, ये क्या है लंब है जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं, और ये क्या आधार है, तो लंब और आधार पता है, तो लंब और आधार के रेशियो से हम इसका जो है एंगल निकाल सकते हैं, कैसे। अब बताओ थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, त्रिकोणमिति में पढ़ा आपने, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, बाकी आधार हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे बताओ, लंब बटे आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, टैन में आता है। अगर आधार बटा लंब लेंगे तो कॉट में हो जाएगा, उससे वैसे भी आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो हम लेते हैं टैन में ना, टैन यहाँ पे सोल्व करते हैं, टैन कितना डिग्री, टैन थीटा बराबर, टैन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब का क्या नाम है ए बी, क्या नाम है ए बी, आधार का नाम क्या है बी सी, है ना। अब देखो टैन थीटा, हमको तो थीटा का वैल्यू निकालना है ना जी, तो टैन यहाँ पे कहां से आ गया, टैन जो टैन को काटना पड़ेगा, ठीक है ना, टैन को हटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं ए बी का वैल्यू कितना है 6 दिया हुआ है, बीसी का वैल्यू कितना दिया 2√3 मीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे भाई, 2 3 6, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे क्या टैन थीटा, ये जो 3 आया, फिर बोलिए 3 को हम कैसे लिखेंगे, मैं बार बार बताता हूँ, जब 3 आ जाए तो 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही तो आएगा, तो हम 3 को ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखेंगे, ताकि नीचे वाला 3 कट जाए। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, चाहो तो देखो 2/3/√3 है ना, इसको परिमेयकरण कर देंगे, याद रखिए हमेशा नीचे में हर में हर के रूप में आप परिमेय संख्या नहीं रहना चाहिए, ठीक है, अगर रहेगा तो उसको परिमेय बनाइएगा। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, चलो हम परिमेयकरण करते हैं, ऊपर भी गुणा करते हैं नीचे भी गुणा करते हैं, ठीक है, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3√3, और √3 × √3 कितना होता है 3 होता है, होता है ना, √3 × √3, तो 3 कट जाएगा। अब क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा टैन थीटा बराबर √3। अब आप बोलिए कि टैन थीटा किसके बराबर, √3 जो है, टैन थीटा जो √3 दे दिया, √3 किसके बराबर होता है, टैन का फॉर्मूला आता है, क्योंकि हमको थीटा का मान निकालना है, और ऐसा सवाल आपने त्रिकोणमिति में बनाया है ना, तो क्या होता है बोलो, तो टैन 60 डिग्री होता है √3 के बराबर, टैन टैन कट जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा सूर्य का उन्नयन कोण। तो पता यह चल रहा है कि त्रिकोणमिति का ही लिया हुआ ये पार्ट है, त्रिकोणमिति का ही अगला पार्ट है ना, क्लियर है, समझ आ गया, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, बन गया होगा आसान तरीके से। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे देखिए सवाल, सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, सवाल बोलता है क्या कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना, क्या निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण निकालना है।
जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो। अब यहां पे अगर छोटा सा कंसेप्ट समझते हो ना, तो इस सवाल को पढ़ने पर सेकंड नहीं लगेगा आपको इसका आंसर देने में, सेकंड भी नहीं लगेगा। मैं बताता हूं कैसे, और इसको मैं सोल्व करके भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। देखिए ये हमारा क्या है, क्या बोला गया, जब किसी सीधे खड़े खंभे, तो खंभा सीधा खड़ा है, जमीन भी रहेगी और यहाँ पे हम इसको ये भी रखेंगे, ये मानते हैं ए है, ये बी है, इसी बोलता है सवाल क्या कि खंभे की छाया, छाया कहाँ पे है, नीचे है, और उसकी ऊंचाई बराबर है। यानी कि सवाल ये कहता है कि अगर जितना जितना लंबाई छाया बन रहा है उतने ऊंचाई इसकी जो है, यानी कि अगर ये एक्स मीटर बन रहा है तो ऊंचाई भी क्या है, एक्स मीटर ही ऊंचाई है। सवाल तो यही बोलता है ना कि जितना छाया है उतने इसकी क्या है, ऊंचाई है, मतलब ऊंचाई छाया दोनों क्या है, बराबर हो गया। तो बोलता है यहाँ पे एंगल क्या हो, यहाँ पे एंगल क्या हो। अब मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या इसको पहले सोल्व करते हैं, तो फिर वैसे ही काम करेंगे। देखो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, हम क्या यूज करेंगे, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कौन है, ए बी है, देख रहे ना, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी, आधार कितना है, बी सी। चलिए तो टैन थीटा, ए बी को एक से माने थे तो ए बी तो एक से ही है, क्योंकि सवाल खुद बोलता कि दोनों क्या है बराबर, तो एक से एकम एक्स कट गया। चलिए तो टैन थीटा बराबर क्या गया, वन। अब हमको थीटा का मान निकालना है, तो ऐसा सवाल आपने बनाया त्रिकोणमिति में, तो वन का वैल्यू क्या होता है, टैन 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री, टैन टैन कट जाएगा, थीटा बराबर क्या गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, ये तो हमारे बनाने पे आ गया, लेकिन मेरा कंसेप्ट समझ लीजिए, अगर ऐसा सवाल दे दे और लंबाई और आधार बराबर बोले, बोल दे ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, तो ये कितना होगा, हर हाल में अगर ऊंचाई और ये आधार बराबर होगा तो थीटा 45 डिग्री होगा, नोट कर लो इसको, ठीक है ना। अगर ये लंबाई और ये आधार इसके अकॉर्डिंग, अभी कैसे देखो आया, दोनों बराबर था तो थीटा कितना आया, थीटा 45 आएगा। अगर बोल दे भाई कि थीटा, पहले बोल दे सवाल में कि थीटा 45 है और ये वाला 10 है, तो ये कितना होगा, तो ये 45 कब होता है बताओ, ये 45 डिग्री कब होता है, जब ऊंचाई आधार दोनों बराबर होता है तभी तो होता है 45 डिग्री होता है ना, ये 45 डिग्री कब होगा, जब ऊंचाई आधार बराबर हो। अब कभी सवाल ऐसे बोल देगा, फिगर दे देगा तुमको ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए, फिगर दे देगा, यहाँ पे बोल देगा यहाँ पे 45 डिग्री है, ये वाला ऊंचाई बोल देगा 40 मीटर, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक ये भी 40 होगा, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे थीटा 45 है, इसीलिए। कंसेप्ट समझ आया, तो जब ऐसा सवाल है तो सेकंड भी नहीं लगेगा बनाने, तुरंत मारिएगा आंसर। आगे बताते हैं, देखो सवाल क्या बोलता है, देखो सवाल बोलता है क्या, यदि एक उत्तल उदग्र खंभा, उदग्र मतलब ऐसे खड़ा है, चलो यहाँ पर आते हैं, खंभा ऐसे है, ठीक है ना, यदि एक उदग्र खंभा है तो सीधा खड़ा कर देंगे, जमीन भी रहेगा तो छाया भी बनेगा, ए बी सी। मतलब उदग्र खंभे की ऊंचाई, ये वाला खंभे की ऊंचाई छाया की लंबाई की रूट 3 गुनी है, सवाल तो इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, खंभे की ऊंचाई छाया की लंबाई से रूट 3 गुनी है, कौन ज्यादा होगा, ज्यादा लंबा कौन होगा, छाया की खंभा, खंभा की छाया, छाया उल्टा हो रहा, खंभा या छाया क्या होगा, या छाया या खंभा। सवाल बोलता है खंभे की जो ऊंचाई है ना, खंभे की जो ऊंचाई है वो छाया से रूट 3 गुना है, गुना मतलब जैसे मैं बोलूं आपसे मैं 2 गुना हूं, मतलब अगर आप 2 है तो हम 4 हैं, है ना, तो किसके बारे में बोल रहा हूं, ये बोला जा रहा ऊंचाई के बारे में, तो ऊंचाई छाया की लंबाई से रूट 3 गुना है, अगर ऊंचाई को x मान लेते हैं तो छाया क्या होगा, छाया क्या होगा, रूट 3x होगा, है ना, अगर ऊंचाई को x मान लेंगे तो छाया क्या होगा, रूट 3x हो जाएगा, क्लियर बात है, क्योंकि इससे जो रूट 3 गुना ज्यादा है, ज्यादा ही के बारे में बात करता, कम के बात नहीं करता। तो बोलता फिर बोलता कि थीटा कितना होगा, है ना, फिर बोलता सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व, फिर क्या लिखेंगे, वही लंब बटे आधार, वही फॉर्मूला आएगा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब लंब डायरेक्ट लिखते, लंब कितना है, रूट 3x से लंब हो गया, आधार कितना है, एक्स है ना, टैन थीटा। अब यहां पर देखो एक्स एक्स कट गया, क्या बचा, रूट 3 बचा। अब बताओ टैन थीटा कितने बराबर होता है, रूट 3, तो बोलेगा सर टैन जो है वो 60 डिग्री के बराबर होता है ना, कितना, टैन 60 के बराबर होता है, टैन टैन कट जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो ये बोला गया कितना डिग्री एंगल होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री का एंगल बनेगा, समझ आया, ये रूट 3। कभी यही सवाल उल्टा बोल देगा कि छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई से रूट 3 गुना ज्यादा है, तो आप इसको कर देंगे रूट 3x, इसको x मान लेंगे, जिसको ज्यादा बोला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक ऐसी सवाल एक और आता है जिसका आंसर 30 बोलता है, 30 डिग्री बोलता है।
आगे देखिए सवाल, बड़ा आसान सवाल है ये, है ना, बहुत आसान सवाल है। क्या बोलता है? बोलता है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, पश्चिम किधर है, देखो आपको पता है ना डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये होता है ना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तर है दक्षिण है पूर्व है पश्चिम है, ठीक है ना, ये तो जान रहे हैं। अब हमको इसी को बनाना है, देखिए कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, बोलता 10 मीटर पश्चिम जाता है, पश्चिम किधर है, इधर है, कितना आया 10 मीटर आया। अब बोलता जब आदमी यहाँ पे आ गया है तो 10 मीटर उत्तर पश्चिम आ गया ना, सॉरी 24 मीटर पश्चिम है ना, एक मिनट, 24 मीटर जो है वो पश्चिम है, 24 मीटर क्या पश्चिम जाता है, फिर जब यहाँ पे आ गया तब 10 मीटर जाता है उत्तर, मतलब यहाँ पे आ गया तो कहाँ जाएगा, उत्तर मतलब ऊपर है, यहाँ से तो उत्तर है, अब आदमी यहाँ पे पहुंच गया, अब बोलता है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो पहले आदमी यहाँ पे था अब आदमी यहाँ पे आ गया, तो बोलता है यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, ये कितना है 10 मीटर है, तो मतलब ये तो पाइथागोरी त्रिक हो गया ना जी, पाइथागोरी त्रिक हो गया ना, ये आपको दिया हुआ है, लंब दिया, आधार दिया, कर्ण निकालना, यहाँ पे कोई एंगल वगैरह नहीं निकालना है ना, यहाँ पे क्या निकालना है एसी निकालना, तो एसी कैसे निकालेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर है ना, 24 का कितना होता है 576 ना, और 10 का कितना होता है 100 होता है, तो कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा, और 676 किसके बराबर होता है 26 के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 26 मीटर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन है ये वाला है ना, चलिए इसका आंसर टिकने लगाएं क्या, ये 60 डिग्री हो गया, ओके इसका आंसर टिकने लगाएं क्या 45 डिग्री, अच्छा 45 डिग्री इसका टिक लगाते, 45 किसको बोले हैं पाई है ना, तो रेडियन के मान 180 बटा 4, 4 4 16 4 5 20, यानी कि कौन होगा आंसर पाई बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पे पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, ठीक है, चलिए आगे क्या बोलते हैं, अब देखिए वही सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पे सवाल को घुमा के कैसे पूछ रहा है सवाल, देखिए यहाँ पे अब बना लीजिएगा आराम से इसको, सवाल को देखिए, बोलता कि एक मीनार 100 मीटर दूर, दूर कब होगा, जब मीनार है तो दूरी हमेशा नीचे होता है, दूरी नहीं ऊपर होता है, दूरी हमेशा नीचे होता है, मानते ए है बी है सी है, 100 मीटर क्या है दूर है, हो गया दूर 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण, अब खुद यहाँ पे उन्नयन कोण बोल रहा है, कितना उन्नयन कोण यहाँ पे, यहाँ पे उन्नयन कोण है कितना डिग्री 60 डिग्री, बोलता है मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण हमेशा यहाँ पे बनेगा, अवनमन बोलेगा तो ऊपर बनाएंगे, तो बोलता मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब अब क्या निकालना ये निकालना है, यानी कि इसको एच मान लेते हैं, ऊंचाई को एच मान लेते हैं, ठीक है ना, अब यहाँ पे बनाएंगे क्या, अब बताओ इसको कैसे बनाएंगे, फिर टैन लेंगे, टैन बराबर लंब बटे आधार, ऐसे करेंगे ना, तो टैन कितना डिग्री है यहाँ पे, तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है देखो एच, एच मैंने माना, और आधार क्या है 100 माना, टैन 60 का वैल्यू कितना होता है, टैन 60 का वैल्यू तो 1 बाई नहीं, टैन 60 का वैल्यू सिर्फ रूट 3 होता है ना, सिर्फ रूट 3 होता है, एच बाई 100, अब क्या करेंगे इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है, क्रॉस गुना कर दो, एच को 1 से गुना करेंगे एच हो जाएगा, और 100 को गुना करेंगे रूट 3 से, 100 रूट 3 मीटर क्या हो जाएगा 100 रूट 3 मीटर, देख ऑप्शन ए वाला, ठीक है क्लियर है, समझ में आ गया 5 नंबर सवाल, आगे बोलता क्या, देखिए सेम सवाल वही सवाल दिया हुआ यहाँ पे, देखिए आप बना दीजिएगा इसको, हमको कुछ कहते हुए बना दीजिएगा कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है तो उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है बराबर, ये भी बराबर है, जितना ये उतना ही है, तो ये एंगल ऑटोमेटिक कितना डिग्री होगा, ऑटोमेटिक इसका एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री इसका एंगल हो जाएगा। एक बात बता दूं, हमारा पेड बैच चलता है उम्मीद कोर्स, जिसका प्राइस 299 है, 82 10 42 32 00, ये हमारा मोबाइल नंबर है, अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, है ना, इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ 299 में पूरा एक साल एग्जाम तक, ठीक है ना, पूरा सभी चैप्टर का रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा, सभी सब्जेक्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर वहां पे पूरा नोट्स अवेलेबल मिलेगा, टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट अरेंज कर रहा हूं, वहां पे टेस्ट आपको देने का मौका मिलेगा, है ना, क्वेश्चन बैंक मिलेगा पिछले 10 सालों का, फिर मॉडल सेट आपको देखने को मिलेगा, 10-10 सेट आपको यहां पे प्रोवाइड करेंगे इसी 299 में, फिर आपको गेस्ट क्वेश्चन करेंगे, लाइव क्लास यहां पे होगा, ये सब आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, तो जल्दी से एनरोल कीजिए, है ना, और आप इस नंबर पर पहले कॉन्टेक्ट करें, आपको एनरोल करने का मौका मिल जाएगा, या तो आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, वहां पे आपको मौका मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बोलता है सवाल, देखो क्या बोलता है, सवाल को देख करते हैं, देखिए सवाल, सवाल क्या बोलता है भाई,
सवाल बोलता है जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात, अनुपात दे दिया। टेलीफोन कब होता है, टेलीफोन स्तंभ मतलब यही तो, टेलीफोन खंभा, ये टेलीफोन वाला खंभा है तो जमीन भी रहेगा और ये भी रहेगा। अब अगर ये आपको बनाने आ गया तो सब हल हो जाएगा। बोलता टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई, पहले टेलीफोन स्तंभ की पहले बात कर रहा है तब छाया की बात कर रहा, अनुपात रूट थ्री वन है, मतलब पहले ये स्तंभ कितना है रूट थ्री है, ये कितना है वन, अनुपात में कितना है अनुपात में है। तो जब ये है तो बोलते यहाँ पे एंगल कितना डिग्री बनेगा, ये बोलता है ना, बोलता उन्नयन कोण कितना बनेगा, तो बना लेंगे। देखो लंब बटे आधार क्या है ना, लंब, चलो ये तुम लोग होमवर्क में कमेंट करोगे, ठीक है। टैन बनाओ, टैन यहाँ बताओ, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, अब बना के होमवर्क में कमेंट करना। चलिए आगे क्या बोलता है, आगे देखो सवाल, अरे यार ये क्या हो, देखिए सवाल समझिए, सवाल क्या बोलता है, एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी, धागे की लंबाई 100 मीटर है, उनका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब सोचो गुब्बारा कहाँ पे उड़ रहा है, आसमान में, यहाँ पे मानते गुब्बारा उड़ रहा, तो कोई भी चीज की जब ऊंचाई मापते हैं ना तो तिरछी नहीं मापते, जब भी गुब्बारा उड़ो तो हम जमीन के नीचे ऊंचाई मापेंगे और हमारा आधार होगा, और ये जो लंबाई, ये जो हम खींचे हैं ये क्या है, धागा है, धागा, क्योंकि गुब्बारा जब भी उड़ता है तो सीधा नहीं उड़ता है, जैसे पतंग बोल दे या गुब्बारा बोले, कुछ ना कुछ ऐसे टिल्ट रहेगा ना, तिरछा जरूर रहेगा, पूरा सीधा नहीं रहेगा गुब्बारा, थोड़ा सा तिरछा जरूर रहेगा, चाहे पतंग बोल दे चाहे गुब्बारा बोल दे। तो ये जो है क्या है, धागा है, कितना है 100 मीटर क्या लंबा है, और उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो क्या बोलता है, गुब्बारे की ऊंचाई, तो ऊंचाई कौन हमारा ये वाला है ऊंचाई ए बी सी, यही ना ऊंचाई ए बी सी होगी ऊंचाई, ठीक है, यही ना है, ये गुब्बारे की ऊंचाई है और ये क्या है धागा, ये है एंगल। अब लंब है और कर्ण है, लंब है और कर्ण है, तो लंब और कर्ण का रेशियो किस में आता है, साइन में आता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसका क्या यूज करेंगे, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन है, लंब है एच, और कर्ण कितना है, कर्ण है 100, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, एच को एच लिखते हैं, 100 के यहाँ पे 100 लिखते हैं, क्रॉस गुना कर देंगे, एच को 2 से गुना कीजिए तो 2H हो जाएगा, 100 को 1 से गुना कीजिए 100 हो जाएगा। अब जब 2 है तो 2 को क्या करेंगे, बोलो बटा में चल जाएगा, गुना जाके क्या होगा, बटे चल जाएगा, 50 × 100 H बराबर 50 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 मीटर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, एच बराबर 50 मीटर। क्लियर है, समझ आ गया, चलिए आगे क्या बोलता है सवाल देखें, देखिए सवाल क्या बोलता है, बोलता है क्या कि 3 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से, ये है मीनार, ये है जमीन, ठीक है ना, देखो ठीक है, मीनार 3 मीटर ऊंची उदग्र मीनार, तो मीनार कितनी ऊंची है 3 मीटर, क्या है मीनार की ऊंचाई है, मानते हैं कि ए है बी है, लॉन्ग सवाल में पूरा डिटेल से बनाना पड़ता है, तो मान लेते हैं कि 3 मीटर ऊंची मीनार है, हो गया ऊंची मीनार है। अब ये जो है बोलता है मीनार के पाद से, पाद मतलब इसका आधार बिंदु से, इसका आधार से 3 मीटर की दूरी है, 3 मीटर की क्या है दूरी है, तब तो आप खुद बना लीजिएगा भाई। अब बोलता है मीनार की चोटी का उन्नयन कोण बताइए, उन्नयन कोण बताइए, अब बताओ मेरे को बनाने से पहले आप बता दो डायरेक्ट बिना कुछ किए हुए, देख लो ऊंचाई और आधार क्या है बराबर है, जब मैंने बोला जब ऊंचाई आधार बराबर होता है तो एंगल कितना होता है पता है ना, कितना एंगल होगा, यस 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। इसको बना लेते हैं टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब भी 3 है आधार भी 3 है, 3 3 कट गया, 3 एकम 3, तो टैन थीटा बराबर 1 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, 1 का फॉर्मूला क्या होगा, टैन 45 डिग्री, टैन 10 कट गया, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं, ये सवाल देखिए क्या बोलता है, सवाल क्या बोला, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण ये है हमारा, ठीक है ए है बी है सी है, ठीक है, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा, उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण हमेशा कितना है 60 डिग्री की, सूर्य का उन्नयन कोण। तब 30 मीटर लंबी छाया, अब बताओ छाया की जब बात आ जाए तो छाया हमेशा जमीन के नीचे बनेगा,
छाया जमीन पे बनेगा, पृथ्वी बनेगा, कितना मीटर? 30 मीटर लंबी छाया, 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगा? इस मीनार की ऊंचाई बोल रहा, तो फिर से वही कहानी शुरू हो गया, लंब बटे आधार है ना। फिर से इसको ऐसे ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे? टैन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कौन है? एच है, आधार कितना है? 30 है, बन जाएगा ना। टैन 60 का वैल्यू क्या होता है? रूट 3 होता है, एच को तो जानते हैं। चलो भाई अब क्रॉस गुना कर देंगे, एच बराबर क्या होगा? 30 रूट 3 मीटर, 30 रूट 3। देखिए ऑप्शन ए वाला हो गया राइट आंसर। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, एकदम हल्का हल्का सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव, बस बनाने के जो था आपको है, आपको बनाने के जो थे। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। सवाल बोलता है मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार है, ये मीनार खड़ी है, आधार तो रहेगा, कितना मीटर दूरी पे? 20 मीटर दूरी पे। दूरी बोलेगा तो आधार से दूर कर देंगे, ठीक है ना। अब ये तो बनना जरूरी है, चलो मान लेते हैं ए बी मीनार है और बी सी उसका आधार है। 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, देखिए 45 डिग्री अवनमन कोण, क्या अवनमन कोण? अवनमन कोण कहाँ बनेगा? अवनमन कोण बनेगा यहाँ पे, कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो हम जानते हैं भाई जो अवनमन कोण होगा वो उन्नयन कोण भी होगा, अवनमन कोण जो होगा वो उन्नयन कोण भी होगा, तो अवनमन कोण 45 तो उन्नयन कोण भी क्या हो गया 45। कैसे? आपको नियम मालूम है। तो बोलता है मीनार की ऊंचाई क्या? अब ये सवाल बोलो, हल करने की जरूरत है इस सवाल को। मैंने क्या बोला? थीटा जब 45 डिग्री हो तो आधार ऊंचाई बराबर होगा, तो ये जब 20 तो ये भी क्या होगा? बीसी होगा, है ना, बीसी। बिल्कुल हमारा 20 आंसर आएगा, ये भी हमारा क्या आएगा? बीसी आंसर आता है। देखिए बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या 20 आता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टैन 45, है ना, टैन 45। टैन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब कौन है? एच है, आधार कितना है? आधार कितना है? 20 है। अब बताओ टैन 45 का वैल्यू कितना होता है? टैन 45 का वैल्यू 1 होता है, एच बाई 20। अब क्रॉस होना कर दो, एच को 1 से करो, 20 को 1 से करो, देखो तो आपको फैक्ट पता चल गया कि जब डिग्री यहाँ पे एंगल जो है 45 डिग्री दिया हो तो आधार ऊंचाई समान होता है ना, आधार ऊंचाई क्या होगा? समान होगा। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। ये सवाल देखो क्या बोलता है, ये सवाल एक बार पूछा था, बाकी एक उसके बाद नहीं सवाल पूछा है। देखिए क्या बोलता है, एक 6 मीटर की ऊंची वृक्ष की छाया, ये है वृक्ष, कितना मीटर है? 6 मीटर, तो ये भी होगा, छाया भी बनेगा। 6 मीटर ऊंचा वृक्ष, 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, 4 मीटर क्या लंबी है? कौन? ये वृक्ष है, पेड़ है 6 मीटर का, और छाया कितना? 4 मीटर लंबी है। तो कुछ ना कुछ एंगल तो बनता ही होगा, हमको नहीं मालूम, कुछ ना कुछ तो एंगल बनता होगा। फिर बोलता उसी समय, देखो यहाँ पॉइंट ऑफ दी पॉइंट, उसी समय एक खंभे की छाया, अब एक खंभा है, देखिए उसका छाया बोलता समय सेम है, छाया लेकिन बनता कितना? 50 मीटर छाया बनता, 50 मीटर छाया उसी समय, समय सेम है ना, एक ही टाइम में खंभा है एक पेड़ है, तो पेड़ की पेड़ जब 6 मीटर खंभा बन छाया बना 4 मीटर, अब जब पता नहीं ऊंचाई कितनी है लेकिन छाया बना 50 मीटर, सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब है कि सनलाइट सूरज पे एक ही जगह होगा ना, और सूरज के नीचे सब है, तो एक ही टाइम। तो सूरज का एक नियम है, ऊपर का जो एंगल बनने का नियम है कि आप सूरज जब एक जगह एक टाइम 10 बज रहा है चाहे 12 बज रहा, नीचे कितना छोटा कितना बड़ा वस्तु क्यों ना रहे एंगल उतना ही बनेगा। क्योंकि अगर 50 डिग्री बन रहा होगा तो दोनों में 50 ही डिग्री बनेगा, अगर 60 डिग्री में तो दोनों में 60 डिग्री बन रहा होगा, ऐसे जानो एंगल सेम है, समझे। अगर छोटा चीज हो चाहे बड़ा चीज हो, ऊपर से सनलाइट का टाइम एक ही हो, 12 बजे तो 12 बजे सबका एंगल एकदम 90 डिग्री बनेगा, अगर 3 बज रहा तो 3 तिरछा छाया बनेगा, चाहे छोटा हो वस्तु चाहे बड़ा हो। अब बोलता तो अब पता चल गया ये दोनों एंगल क्या समान है, क्योंकि समय एक ही है, तो बोलता ये ऊंचाई निकालिए। अब हम टैन के फॉर्मूले से अगर बनाए, टैन के फॉर्मूले से लंब बटे आधार, यहाँ पे लिखता है टैन थीटा बराबर, इसमें क्या करता है लंब बटे आधार, यहाँ पे अगर बनाए तो यहाँ पे क्या होगा टैन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। अब हमको पता है इधर भी टैन थीटा इधर भी टैन थीटा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है बराबर है, तो जब दोनों बराबर तो हम यहाँ पे क्या करें, जब दोनों बराबर है तो क्या बोलेंगे कि जो एच बटे 50 ये वाला है, जब इधर वाला बाएं वाला बराबर दोनों तरफ तो दाएं वाला भी क्या होगा बराबर हो जाएगा। लो हो गया बराबर, तो 4 को एच से गुना करो और 50 को 6 से गुना करो, है ना जी, एच बराबर क्या हो जाएगा 50 × 6/4। अब काटिए इसको, 25 × 50, 2 × 4 2 × 3 = 6, 25 × 3 = 75, 25 × 3 = 75, क्लियर है। चलो 12 सवाल हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो एक सवाल पूछा गया, एक समकोण त्रिभुज एबीसी, एबीसी एक समकोण है, लीजिए बड़ा अच्छा सवाल है, ए है बी है सी है, बोलते हैं ए बी 8 है, ए बी कितना 8 सेंटीमीटर, बी सी ए, देखिए सी वाला बीच में कौन सी है, बी सी ए, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो
बोलता सी से ए का उन्नयन कोण, देखिए ध्यान से, सी से ए का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा, सी से ए का उन्नयन कोण, तो ए का उन्नयन कोण कहां पे है, ए का उन्नयन कोण यही तो सी 30 डिग्री है, ए का उन्नयन कोण यही तो है, तो कितना होगा ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा, ए का उन्नयन कोण क्या होगा, बोलता है सी से ए का उन्नयन कोण, तो ए का उन्नयन कोण कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। आगे सवाल यहां पे देखिए क्या बोलता है, एक उदग्र स्तंभ की ऊंचाई 7 मीटर है, एक स्तंभ बनाते हैं, एक स्तंभ है जमीन होगा, चलो स्तंभ की ऊंचाई कितना है 7√3 है ना, 7√3 मीटर ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई कितना है 7√3 मीटर, बोलता है इसके छाया की लंबाई 21 मीटर है, छाया कितना लंबा है 21 मीटर, क्या है छाया है, तो बोलता है ये एंगल कितना बनाता है, ये बोलता है उन्नयन कोण कितना बनाता है, बना लीजिए इसका, तो क्या करेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 7√3, आधार कितना है 21 है ना, देखिए 7 × 21 सेम क्वेश्चन आ गया पहले वाला टाइप का, ऊपर में √3 लिखा हुआ, नीचे जो 3 लिखा हुआ 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 × √3 पता है ना, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है 3 ही तो होता है, तो √3 कट जाएगा, tan थीटा बराबर ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा √3, अब आपको पता है क्या पता है भाई, आपको पता है जी कि 1/√3 जो होता है वो tan कितना डिग्री 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के बराबर होता है, tan कट गया थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल बनाते हैं उसका अगला सवाल होमवर्क देंगे, बोलता एक व्यक्ति रस्सी पर 10 मीटर ऊंचे खंभे पर जाता है, रस्सी पर 10 मीटर ऊंचा खंभा, 10 मीटर ऊंचा खंभा, खंभा क्या है 10 मीटर ऊंचा खंभा है, रस्सी पर जो है 10 मीटर क्या है ऊंचा खंभा है ना, यहाँ पे देखिए 10 मीटर खंभे को चाहे कितना है 10 मीटर, रस्सी कौन है बताओ, एक सर्कस में होता है ना देखते छोटी बच्ची चढ़ती है ऐसे, ये वाला सर्कस वाला रस्सी है, ये सर्कस का रस्सी है, तो ये ऊंचाई है, बोलता 10 मीटर ऊंचे खंभे जाता है, इस रस्सी जमीन से 30 डिग्री कौन बनाती है, जमीन से कितना डिग्री कौन बनाएंगे 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, कौन रस्सी जमीन के साथ 30 डिग्री कौन बनाएगी, तो व्यक्ति द्वारा चलित दूरी, तो व्यक्ति यहाँ पे था चलते चलते यहाँ तक पहुंच गया, तो ये दूरी कितना चला है ना, यही निकालना दूरी यानी कि रस्सी की लंबाई निकालना, ठीक ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे टैन 30 डिग्री लंब बटे, अब देखो लंब है और कर्ण है, लंब है कर्ण है, इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, क्या एक्स मान लेते हैं, तो लंब बटे कर्ण किस में आता है टैन में, तो नहीं आता, किस में आता है साइन में आता है ना, साइन साइन 30 डिग्री, लंब कितना है 10 है, कर्ण क्या माना है एक्स माना, यही ना हमको लंब दिया हुआ कर्ण ज्ञात करना है, तो लंब बटे कर्ण 37 का मान 1/2 क्रॉस, देखो एक्स का मान क्या हो जाएगा 10 × 2 20 मीटर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर कर देंगे 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो नहीं रहेगा रस्सी है तो 20 मीटर रहेगा ना, 20 मीटर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है चलो। अब ये सवाल बच गया हमारा, अब तो आसान से बना लीजिएगा, ये आपका रहेगा होमवर्क है ना, यहाँ पे हो गया चैप्टर एंड हो गया, ये छोटा चैप्टर था ज़्यादा बड़ा चैप्टर, ये आपका एंड हो गया, तो मैंने 2 होमवर्क दिया उसके साथ ही, अगर आपको अगर हमारा पेड कोर्स में जुड़ना है तो बस आपको ये नंबर में मैसेज करना है 8210 42 32 00 है ना, और अगर आप ऐप जाते हो तो ए ऑनलाइन सॉल्यूशन जो चैनल को देखो उसी चैनल का नाम से एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, वहां पे जाके सर्च करो आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है ना, और अगर खरीदने की बारी है ना तो फोन पे करना इसी नंबर से, पहले कॉन्टेक्ट कर लेना जरूर से, पहले कॉन्टेक्ट कर लो बता देंगे तब खरीदना, तो आप जाके मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ओके लास्ट करते वीडियो को, कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके थैंक यू बाय।